हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेरियन। इसके लिए हमने लिए है आलू 6-7 कटे हुए, शिमला मिर्च 5-6 कटी हुई, हमने गोभी ली है 2 फूल कटे हुए, हमने लिया मटर 1 कटोरी, ये हमने लिए प्याज 2 जो हमने बारीक काट लिए, ये हमने लिए पिसी हुई मिर्च 1 चमचा, ये हमने लिया टमाटर 3 कटे हुए, 4 हरी मिर्च कटी हुई, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट 1 चमचा, धनिया थोड़ा सा, ये लिया है हमने पनीर, ये हमने लिया है मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, किचन किंग 1 चम्मच, ये हमने लिया है जीरा 1/2 चम्मच। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। ये हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें हम डालेंगे जीरा 1/2 चम्मच, हम इसमें डालेंगे प्याज 2 बारीक कटे हुए, इसको हल्का गोल्डन होने तक भूनेंगे। हमारी जो प्याज है वो हल्की गोल्डन हो चुकी है, देखिए। हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट 1 चमचा, हमें डालेंगे पिसी हुई मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, मिर्च 1 चम्मच, किचन किंग 1 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच। हम इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें डाल देंगे मटर 1 कटोरी, हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से चला देंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। करीब 5 मिनट तक हमें इसे भूनना है। 5 मिनट के बाद हमारा मसाला भून गया है, इसमें हम डालेंगे आलू। गोभी डालेंगे, गोभी
शिमला मिर्च, हम सब्जी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारे ये जो आलू मटर सारी भी सब मिक्स सब्जी है हमारी, जब तक कि मसाले के साथ अच्छे से ना भून जाए। हमारी सब्जी जो है 20 मिनट के बाद वो बनके तैयार हो चुकी है, हम इसको चला के देख लेंगे ये बनी है या नहीं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर और कटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। हम इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि हमारे टमाटर और जो मिर्च है वो अच्छे से पक जाए। हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा रिफाइंड गरम कर लिया है, उसमें हम पनीर तलेंगे। हम पनीर को पलट के देख लेंगे हमारा पनीर तला है या नहीं। अब हम पनीर को प्लेट में निकाल लेंगे। हमने पनीर जो है तल के एक प्लेट में निकाल लिया है। हमारे जो टमाटर और मिर्च थी वो थोड़े पक चुके हैं और हम जैसे थोड़ा जो एक्स्ट्रा पानी आ गया है सब्जी में, हम थोड़ा पानी को जो है लो फ्लेम पे जो है पानी को वो ख़त्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए। इसमें पनीर भी डाल देंगे। देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। हमारी सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छी सब्जी बनी है हमारी।
देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है सब्जी को सर्व कर लिया है। हमारी सब्जी सर्व करने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, दिखाई कि हमने मिक्स वेज बनाई है, वो भी विथ पनीर बनाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, और हमने सब्जी बनने के बाद में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।